हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्सरी लेवल का कुछ जो बेसिक होता है ना, सबसे बेसिक चीज़ जो होता है अल्फ़ाबेट्स। अब ये अल्फ़ाबेट्स मैं इसलिए दे रहा हूँ अपने चैनल पे क्योंकि आप सभी को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूँ कि मैं ऑनलाइन टीचिंग के अलावा मेरा अपना स्कूल्स भी है। ऑलरेडी मेरे दो स्कूल्स चल रहे हैं और जो मेरा स्कूल है वो नर्सरी क्लास से स्टार्ट होता है, नर्सरी LKG UKG 1 2 3 4 क्लास 10 तक का मेरा अपना स्कूल है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स अभी जो लॉकडाउन में, मेरे स्कूल अभी तो बंद है, बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने ऑनलाइन स्टडी जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे गार्जियंस लोगों का मेरे पास कमेंट्स आए कि सर आप तो जो वीडियो बना रहे हो वो तो बड़े बच्चों के लिए है, बट मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, वो लोग तो घर में कुछ कर नहीं पा रहे। तो देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे भी ऑनलाइन पढ़ नहीं पाते हैं। देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे तो ऑफलाइन भी नहीं पढ़ते, तो ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे। बट मैं कोशिश करूंगा कि जब छोटे बच्चे, आजकल क्या है कि लॉकडाउन में तो बैठे बैठे घर में तो कुछ ना कुछ करते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि गार्जियन लोग, ऐसे भी गार्जियन होते हैं जो बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे को जब मोबाइल दें तो यूं ही कुछ ऐसे वीडियो वीडियो ना दिखा के उनको आप इस तरह से कुछ चीज़ दिखाएं, कुछ ऐसे कंटेंट्स दिखाएं जिससे बच्चे खेल खेल में कुछ सीख जाएंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि बच्चों को खेल खेल में कुछ सिखा दिया जाए। तो आज हम यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ ABCD का बात होगा, अल्फाबेट्स का बात होगा कि किस तरह से हम लोग अल्फाबेट्स को सुन के सीख सकते हैं। और देखा जाए तो बच्चे सुन के ही सीखते हैं, बच्चे जो होते हैं जन्मजात प्रक्रिया होता है उन लोगों का कि बच्चे जो चीज़ सुन के सीखते हैं बहुत ज़्यादा सीखते हैं और वो द्रुत गति से सीखते हैं, जितना कि वो क्लास में जब उनको लिखाते हैं पढ़ाते हैं तो उनका जो स्पीड होता है बहुत ही स्लो होता है, लेकिन जब देखिएगा जब वो सुनते हैं तो उनका सीखने का गति बढ़ जाता है। आप इस चीज़ को नोट करो कि बहुत ऐसे सारे चीज़ जो हम लोग घर में बात करते हैं बच्चे सुनते हैं उनको दोहराते हैं, लेकिन जब पढ़ाई का बात आता है तो उनको दोहराते दोहराते हम लोग थक जाते हैं, लेकिन बहुत समय लग जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक बार में सुन के याद कर लेते हैं, कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं उन सभी गार्जियन के लिए, उन सभी बच्चों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चे जब आपसे मोबाइल मांगे तो उनको ये सब चीज़ दिखा सकते हैं ताकि आपका बच्चे इस दौरान कुछ सीख जाए। तो चलिए हम लोग आज ABCD का उच्चारण सीखते हैं। सबसे पहले ये जो अल्फाबेट्स होते हैं वे टोटली 26 होते हैं। सबसे पहले होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू P W X Y Z। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर गॉट, H फॉर हेन, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर जग, K फॉर काइट, L फॉर लायन, M फॉर मैंगो, N फॉर नेस्ट, O फॉर आउल, P फॉर पीकॉक, Q फॉर क्वीन, R फॉर रोज, S फॉर सन, T फॉर टाइगर, U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वायलिन, W फॉर वॉच, X फॉर एक्समस ट्री, Y फॉर याच, Z फॉर जेबरा। ओके गाइस, एक बार फिर से दोहराते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।